कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिएगा, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अपनी रिमझिम बुक से, ठीक है। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था पार्ट एक, कौन सा? कक्कू, कक्कू कविता। और हमने आपसे कहा था कक्कू कविता आप अपनी कॉपी पर लिखिए। और हमने बुक में भी कुछ काम दिया था, सभी बच्चों ने काम अभी तक पूरा करके हमें नहीं दिया है, इसलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी किताबें खरीद लें, जो नहीं खरीदी वो जल्दी खरीद लें और सारे काम हमें करके सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट दो, कौन सा? शेखी बाज मक्खी। शेखी बाज का मतलब क्या होता है बच्चों? शेखी बाज का मतलब होता है शेखी झाड़ने वाले, यानी कि अपनी तारीफ में सुनने वाला, शेखी मारने वाला, ठीक है। अपनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बड़ी बड़ी तारीफें सुनने वाला, करने वाला, ठीक है। देखिए हमने बोर्ड पर क्या बनाया है, मक्खी बनाई है ना, ये भी मक्खी है और ये जाल में फंसी हुई मक्खी है। जाल में, इस जाल में कौन होता है? मकड़ी होती है ना, पर यहाँ पे मक्खी फंसी हुई है। तो वो मक्खी कैसे फंसी है यहाँ पर, इसकी एक कहानी है। तो आज हम आपको इसी की कहानी, पहले हम बताते हैं कि इसकी शेखी बाज मक्खी की कहानी क्या है, ठीक है। तो पहले हम सुनते हैं कहानी, सुनना अच्छा लगता है ना, तो हम सुनते हैं कहानी शेखी बाज मक्खी। तो शुरू होती है हमारी कहानी शेखी बाज मक्खी। तो एक जंगल था, ठीक है, एक बड़ा सा जंगल था, वहाँ पर एक शेर रहता था। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो शेर जंगल का राजा था। वो क्या कर रहा था? वो खाना वाना खा के आराम करके सो रहा था। लेकिन जो शेर था बहुत आलसी था, बहुत आलसी शेर था, ठीक। वो दो तीन दिन से नहाया भी नहीं था, तो वो सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक मक्खी उसके पास आई, और मक्खी की आवाज़ कैसी होती है? भिन 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 भिन, उसके कान के पास भिन भिन आने लगी। शेर, अब जब कोई सो रहा है तो उसे गुस्सा आता है भिन 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 करो, तो वो कहता है मक्खी यहाँ चली जाओ वरना मैं तुमको मार डालूंगा। मक्खी कहती है अरे शेर तुम होके तुम ऐसी कैसे बात कर रहे हो, कितनी गलत जबान से बात कर रहे हो, और तुम्हें तो बात करने ही नहीं आता है। कहती है तुम जा रही हो कि मैं तुम्हें मार ही डालूं। तो वो कहती है मैं तुमसे डरती थोड़ी ना हूँ। मक्खी कहती है शेर से कि मैं तुमसे डरती थोड़ी ना हूँ, तुम चाहो तो मुझसे मुकाबला कर सकते हो। तो पहले तो उसको हंसी आती, कितनी छोटी मक्खी और मुझसे मुकाबला करने की बात कर रही है। लेकिन फिर वो कहता है अच्छा ठीक है। मक्खी वो उसके बैठ गए, उसके कान में बैठ जाती है मक्खी जो होती है शेर के कान में बैठ जाती है। शेर जैसे ही अपने पंजे से कान मारता है तो मक्खी उड़ के भाग जाती है, लेकिन शेर का कान घायल हो जाता है। इसी तरह से मक्खी कभी उसके गाल में बैठती है, कभी उसके नाक में बैठती है, पूरे शरीर में बैठ जाती है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, मक्खी का शेर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, उल्टा शेर को ही चोट लग जाती है। अंत में शेर कहता मुझे माफ कर दो, तुम जीतती मैं हारा। वो खुश हो जाती मक्खी, फिर उसको लगा कि मैंने जंगल के राजा को हरा दिया, उसने मुझसे माफी मांग ली, अब उसका घमंड थोड़ा बढ़ा, ठीक। आगे जाती तो उसको एक हाथी मिलता है, ठीक। हाथी से वो कहती है कि मैं जंगल के राजा को हरा के आई हूँ, चलो तुम मुझे प्रणाम करो। तो हाथी थोड़ा समझदार होता है, कहता है कि कौन इस मक्खी से बहस करे, चलो हम प्रणाम कर ही लेते हैं। वो हाथी प्रणाम कर लेता है उसको और आगे बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें लोमड़ी देख रही होती है, लोमड़ी, ठीक है। तो लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराती है और आगे मक्खी के पास जाती है। मक्खी कहती है लोमड़ी से कि लोमड़ी मुझे प्रणाम करो, ठीक, क्योंकि मैंने जंगल के राजा को हरा दिया, मैंने विशाल हाथी को भी झुका दिया नीचे अपने, तो तुम कौन सी बड़ी चीज़ हो, तुम भी मुझे प्रणाम करो। तो वो लोमड़ी जो होती है बहुत चालाक होती है ना लोमड़ी, लोमड़ी कहती है कि हाँ तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम्हें प्रणाम हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य है। लेकिन कहती है कि एक वहाँ पे थोड़ी दूर पे ना मकड़ी का जाला है, वहाँ एक मकड़ी है, वो तुम्हें बहुत गालियाँ दे रही है, बहुत गालियाँ दे रही है, जाओ उसको ठीक करके आओ। तो मक्खी भाई उस समय बहुत ऐठन में होती है और बहुत घमंड में होती है, कहती है अच्छा मकड़ी कितनी हिम्मत कि वो मुझे गाली दे रही है, अच्छा मैं भी जाती हूँ उसको समझा के आती हूँ। लोमड़ी जो होती है मुस्कुरा के चली जाती है। अब वो जो मक्खी होती है मकड़ी के जाले में जाके फंस जाती है, जितना भी वो निकलना चाहती है उतना ही उसमें फंसती चली जाती है, लेकिन वो उससे बाहर
नहीं निकल पाती। तो इस कहानी का अंत यहीं पे होता है। इसका क्या, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे भी सवा शेर आगे बैठे हैं। ठीक है, शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। ठीक है, ओके, अब हम अपनी बुक से रीडिंग करेंगे। ओके, आइए पार्ट दो, शेखी बाज मक्खी। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको कहानी बताई, अब उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग अपनी किताब निकाल लीजिए। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। ठीक है, एक जंगल था, वहाँ पे कौन आराम कर रहा था भोजन करके? शेर। उतने में कौन आया? एक मक्खी उड़ती उड़ती आई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी कि शेर बहुत आलसी था। ठीक है, जो आलसी होते वही स्नान नहीं करते ना, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ बच्चों, कि जंगल था, जंगल में एक शेर आराम करके सो रहा था, उतने में क्या हुआ, कौन आई? मक्खी उड़ते उड़ते आई और शेर के कान के पास क्या करने लगी? भिन भिन करने लगी, जिससे शेर को गुस्सा आया। और गुस्से में उसने क्या बोला कि दूर हट जाओ मक्खी, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने क्या कहा कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? बिल्कुल नहीं देती है। जंगल के राजा क्या, किसी के मुंह से भी तेज आवाज से बोलना अच्छी बात नहीं होती है। चलिए पन्ना पलटिया। उसके बाद देखिए, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना भी। बस इतना ही बोला था उसने। क्या कहा कि शेर को जब गुस्सा आ गया तो उसने क्या कहा, एक तो मुझे सोने नहीं दे रही हो, भिन 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 लगा रखा है, ऊपर से हमें जवाब दे रही हो। तो मक्खी बोलती है, मक्खी बोली, वरना वरना क्या कर लोगे, मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी जो थी वो भी गुस्से में आ गई, ताव में आ गई, बोली कि तुम क्या कर लोगे मेरा, मैं तुमसे डरती तो हूँ नहीं, और अगर तुम मैं तो तुमसे लड़ भी सकती हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ने के लिए आओ। ठीक है, आगे देखिए, शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब क्या होता है? गुस्से बहुत अधिक क्रोधित होना। ठीक है, तो शेर आग बबूला हो उठा, उसके कान के पास पंजा मारा। उसने क्या किया, अपने कान के पास पंजा मारा, जहाँ पे वो मक्खी बैठी हुई थी। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। क्या होता था कि शेर जो मक्खी होती थी वो शेर के जहाँ बैठती थी वहाँ पे शेर पंजा मारता और मक्खी तुरंत उड़कर भाग जाती, तो शेर को उस जगह पर चोट लग जाती। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। ठीक है, कभी वो उसके कान पर बैठती तो कभी नाक पर बैठती, कभी माथे पर बैठती, कभी गाल पर बैठती तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। ठीक, क्योंकि घायल कैसे होता रहा था शेर, क्योंकि मक्खी तुरंत वहाँ से उड़ जाती थी और शेर के पंजे के जो नाखून थे उससे उसको चोट लगती जा रही थी, इसीलिए शेर घायल हो गया। मक्खी तो फट से उड़ जाती। ठीक है, अंत में शेर ऊब गया। ऊबने का मतलब क्या होता है? ऊबने का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊब गया मतलब आलस आ गया उसको, मतलब बार बार वो मार रहा था और खुद भी चोट खा रहा था तो वो थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस मतलब उसने हार मान ली शेर ने, क्योंकि वो इतना थक गया था, तो उसने कहा, मक्खी तुम जीती और मैं हारा।
मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब इस बात से तो मक्खी का घमंड बढ़ गया कि इस जंगल के राजा शेर ने मुझसे बोला माफ़ी मांगी और अपनी हार स्वीकार की। तो शेर मक्खी को बहुत घमंड आ गया, ठीक, और वह उड़ती उड़ती फिर आगे चली। सामने एक हाथी मिला। कौन मिला? हाथी। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। ठीक है, मक्खी ने क्या कहा हाथी से कि मुझे प्रणाम करो क्योंकि मैंने क्या किया है, जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। किसका राज चलेगा? मक्खी का। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी समझदार था। ठीक है, जब मक्खी ने हाथी से कहा मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा को हराया, तो उसको लगा कि ये पागल हो गई है। ठीक है, और कौन इससे बहस करे, पागल से बहस करेंगे तो क्या होता है, जैसे हम मूर्ख लोगों से जब हम बहस करते हैं तो अपना ही समय बर्बाद करना होता है क्योंकि उनकी समझ में तो कुछ आना ही नहीं है। तो हाथी ने भी अपनी बुद्धिमानी लगाई और उसको प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। तभी वहाँ पर कौन आ रही थी? लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मतलब धीरे धीरे क्या करने लगी, मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मक्खी ने क्या कहा लोमड़ी से भी कि मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। उसने कहा, लोमड़ी से भी कहा कि मुझे प्रणाम करो, और क्योंकि मैंने जंगल के राजा को भी हराया है, और किसको हराया है, हाथी को भी हराया है। ठीक है, अब आगे देखिए। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। तो लोमड़ी ने क्या किया, उसको प्रणाम किया, उसकी बात सुनकर उसको प्रणाम किया और फिर बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। उसने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। लोमड़ी ने किसकी? मक्खी की तारीफों के पुल, कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, जैसे आपको भी दिख रही है ना, वह दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर ले लो। खबर ले लो मतलब उसके बारे में कुछ मतलब उसके बारे में पता कर लो कि वो आपको गाली क्यों दे रही हो, उसकी थोड़ा खैर खबर ले लो, मतलब उसको थोड़ा डांट दो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल होती, गुस्से से लाल होती मतलब बहुत ज़्यादा भड़क गई, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। चुटकी बजाने का मतलब क्या हुआ कि मैं तुरंत ही उसको ख़त्म कर दूँगी, मतलब तुरंत क्या, जल्दी ही उसको ख़त्म कर दूँगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी होती जाला बनाती है ना, देखा होगा आपने घरों में जाले बने होते हैं, मकड़ी जाले बनाती है ना, तो उसके ऊपर झपटी। किसके ऊपर? मकड़ी की तरफ। कौन? मक्खी। मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती जा गई। मतलब जैसे जैसे वो निकलने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे वो और उसी जाले में फंसती जा रही थी। अंत में वो थक गई, मतलब कोशिश इतनी बार की उसे निकलने की लेकिन वो निकलने में कामयाब नहीं हुई, और वो अंत में क्या हुआ, वो थक गई और हार मान ली। ठीक है, यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। उसके बाद क्या हुआ, लोमड़ी वहाँ से धीरे धीरे मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसने जो चालाकी की वो उसकी चालाकी पूरी हो गई। मतलब उसने मक्खी को सबक सिखा दिया था कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम जो ऐसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये रही हमारी आज की कहानी, क्या थी? शेखीबाज मक्खी। ठीक है, तो बच्चों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इस कहानी को आप भी घर पे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी हम वर्कशीट आपको बना के देंगे वो आप काम करके पूरा हमें देंगे। ठीक है, तो हाँ बच्चों, ठीक है, अच्छे से इसको एक बार आप घर पे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।